मित्रों, आज का कार्यक्रम आयोजित है। मैं अपने सभी कार विजेताओं का एक एक करके नाम ले रहा हूँ और उनसे आग्रह है वो भी मंच पे आके बैठने का कष्ट करें। मेरा निवेदन है यशवंत कुमार गौतम, यशवंत कुमार गौतम जी अगर हों तो मंच पे आए। राकेश सिंह, राकेश सिंह जी हाल के अंदर हो तो मंच पे आ जाएं। श्रीमती सुषमा दुबे जी, राकेश सिंह जी आप तो बैठे हैं, आ जाइए मंच पे आ जाइए। श्री अशोक कुमार जी आप ही सादर मंच पे आमंत्रित हैं, आप आ जाएं। श्री अवध नारायण जी आप ही मंच पे आए। श्री जय दत्त जी हाल में मौजूद हैं तो मंच पे आने का कष्ट करें। श्री जय दत्त जी मंच पे आ जाएं। त्रिभुवन पटेल जी, श्री त्रिभुवन पटेल जी सभागार में मौजूद हों तो मंच पे आ जाएं। नाश्ता कर लीजिए, कोई बात नहीं है भाई। यशवंत कुमार गौतम जी आप ही मंच पे आ जाएं। उस पोजिशन में नहीं आ सकते, वो भी मेहनत करते रहे
नेक्स्ट बार वो भी अव्वल नंबर ले आके वो भी पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पोजीशन प्राप्त करेंगे। मैराथन में सात बार लोग पसीना बहाते हैं, सात बार लोग दौड़ते हैं, सात बार लोग प्रयास करते हैं, उसी तरह से आप लोग भी इन सफल विजेताओं का अनुसरण करते हुए निश्चित रूप से सफल होंगे। एक हमें छोटी सी कहावत याद आई, आप लोग ध्यान से सुने, एएसएम बिजनेस क्या है। एएसएम बिजनेस हम लोग अपने जीवन में बहुत से कार्य ऐसा करते हैं कि अपने मित्रों के साथ करते हैं। क्रिकेट खेलना है तब 12 लोगों की टीम बना लेते हैं, क्रिकेट खेलना चालू कर देते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा, ऐसे बहुत से कार्य हम लोग मिलकर करते हैं। तो हमने जो बताया आपको, हमने कहा क्या नहीं, एक बार एक बच्चे को खरीदने गए अंगूर की दुकान पे, अंगूर लगा हुआ था, उन्होंने पूछा कि ये अंगूर क्या भाव है, ये अंगूर क्या भाव है। दुकानदार ने बताया 100 रुपए किलो। वो कुछ अंगूर रखे हुए थे अलग अलग, पूछा कि अंगूर का क्या भाव है। दो दोनों है, ये गुच्छे में है और जो अलग अलग हो गए हैं उनका दाम कम है। इसी तरह साथियों, ये व्यवसाय, ये बिजनेस एक समूह का बिजनेस है, एक गुट का बिजनेस है, एक मिलजुल करने का, एक टीम का बिजनेस है। और अगर आप लोग एक टीम के साथ, समूह के साथ मिलकर के बिजनेस करते हैं, आप मजबूत रहते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। और अगर आप अलग अलग करना चाहेंगे तो मजबूती नहीं रहेगी। मित्रों, हम इंसान हैं, हम मानव हैं, हम लोगों में भी बहुत सी कमियां हैं जो एक इंसान में होती है। अक्सर ये देखा गया जो हमारे पास होता है हम उसकी खुशी में खुश रहने का प्रयास करें, लेकिन होता इसका उल्टा है कि पड़ोसी कैसे ज़्यादा सुखी है, कैसे उसके पास फ्री है, कैसे उसके पास गाड़ी है, कैसे उसके पास हमसे बड़ी गाड़ी है। हम कोशिश करें कि सामने जो सात लोग बैठे हैं अगले कार्यक्रम में हम इन्हीं के साथ बैठने का कोशिश करें, इन्हीं के साथ बैठने की प्रतिज्ञा करें, अपने को इन भावना से ग्रसित न करें कि हम नहीं पाए। आती है तो चंद्रमुखी होती है, इतनी खूबसूरत लगती है चंद्रमुखी, लगता है कि पति हमेशा पत्नी के साथ रहे। चंद दिनों बीतते हैं और एक आध दो बच्चे हो जाते हैं, एक दो बच्चे होने के बाद आवश्यकताएं बढ़ जाती है। अगर धन की कमी होती है तो वही पत्नी चंद्रमुखी बढ़ जाते हैं, फीस की, किताब की, कॉपी की और सारी चीजों की आवश्यकताएं पूरी नहीं। मिलजुल करके एक छोटा सा समूह, एक ग्रुप बना करके और इस बिजनेस में एक ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास का वाह है, आप अकेले कोई कार्य करते हैं, जितने घंटे कार्य करेंगे उतना ही आपको उसका फायदा मिलेगा। अगर समूह के साथ काम करते हैं तो आप एक घंटे काम करते हैं लेकिन आपका पूरा ग्रुप अगर एक एक घंटे काम करता है तो सैकड़ों घंटे काम आपके हो जाते हैं। बहरहाल शुभ का शिष्य मांगे, काहे
उनको मैं बता दूं कि एशियन ग्रुप की दो ऑफिस है, एक इलाहाबाद में और एक प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद सिविल लाइन में और प्रतापगढ़ में पुरानी सप्लाई ऑफिस के सामने भगवती ग्रुप। हमारे को डायरेक्टर आदरणीय अतुल त्रिपाठी जी और आदरणीय रवि तिवारी जी वहाँ बैठते हैं और हमारे आदरणीय अतुल त्रिपाठी जी प्रतापगढ़ में हम लोगों का वो संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। एक बार फिर से हम तीनों निर्देशकों का आदि निश्चित रूप से ये सांसों सत्य है कि पुरुष के आगे पढ़ने में जाए तो उसके बाद हमारे जो कार रिसीवर उसके उनके बगल में श्री राकेश सिंह जी बैठे हुए हैं। अवध नारायण जी, श्री जयदत्त जी और भाई यशवंत कुमार गौतम जी। भाई शुएब अहमद जी दिख रहे हैं कहीं? भाई शुएब अहमद जी ऑफिस के मौके देकर उनका स्वागत करने का कष्ट है। भाई मोबाइल थोड़े देर को दिया रहती थी आपका प्रताप में स्वागत है, अभिनंदन है, क्या बात है। लेडी डायरेक्टर का ओके देकर सम्मान करने का काम करें आदरणीय सत्यभामा जी। मित्रों बड़ा सुखद अभी हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। स्वागत अभिनंदन और हमारे जितने भी विजेतागण हैं उनको बहुत ढेर सारी बधाई। हम चाहेंगे कि आप लोग तरक्की करें और आपकी तरक्की के साथ में एएसएम परिवार भी धीरे धीरे बढ़ता रहे। धन्यवाद। आपके लिए शुभकामनाएं व्यक्त की और अब हम कंपनी के दूसरे संचालक जिनको हम बुलाने जा रहे हैं, हमारी क्षमता नहीं है कि हम उनको अकेले बुला सके, इसलिए हम चाहते हैं एक जोरदार तालियों के साथ आप लोग। अभी मैंने नाम नहीं लिया, अभी बहुत जोरदार नाम है क्योंकि हमारे कंपनी के यंग डायरेक्टर हैं और बहुत ही जोशीले, बहुत ही कर्मठ। और मैं श्री रजनीश तिवारी जी को बुलाना चाहता हूं, वो मंच पर आए, आप लोग को संबोधित करें जोरदार तालियों के साथ। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए दोस्तों, तालियां बजती रहनी चाहिए। मित्रों नमस्कार, याद है सभी उपस्थित हमारे सम्मानित सदस्यों और हमारे अतिथिगण को मैं एक बार तहे दिल से इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ साथ जो लोग नहीं भी आए हैं और आप सभी लोगों की इस मेहनत का इसका नतीजा है कि आज हम यहां पर उपस्थित हैं और एक साथ हैं। आज यह मौका हमने आपको नहीं दिया है, यह मौका आपने हमको दिया है।
आपकी क्षमता और आपके समर्थन के दम पर आज हम यहाँ पर इस तरह से उपस्थित हैं ताकि हम लोग एक दूसरे का समर्थन आगे भी करें। और मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य में यह कारोबार जो ऐसे शुरू हुआ है या धीरे 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 करते हुए और तेजी से जो बिना कुछ वर्षों में ज्यादा नहीं ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 वर्षों में यहाँ तक पहुंचा है या आने वाले 4-5 वर्षों में इससे कई गुना बड़ा होगा। क्या आप हमें इसमें समर्थन करेंगे? थोड़ा मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग समर्थन करेंगे? हाँ का जवाब नहीं आ रहा है, सिर्फ तालियां बज रही हैं। क्या जोश के साथ नहीं है? है तो तेरा तालियां तेजी से। हाँ हाँ हाँ, इन शब्दों के साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ में मैं आप लोगों से यह उम्मीद करूंगा कि आप सब आने वाले भविष्य में हमारे साथ इसी कर्मठता इसी निष्ठा इसी लगन के साथ लगे रहे ताकि हम और आप दोनों प्रगति के उस शिखर पर पहुंचे जो हमने कभी सपना देखा। धन्यवाद। हमारी राजीव जी की बातों से एक चीज तो सही साबित हो गई, जो अभिभावक होता है जो राजस होता है वो अपने नीचे के लोगों को कार्यों से खुश होता है। ये हमारी राजीव जी ने अपनी बातों से कहा कि आज मैंने कहा कि मुझे ये अवसर मिला है यहाँ पे आने का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन्होंने हम लोगों की तारीफ किया है, क्योंकि सच्चाई नहीं है कि मार्गदर्शन तो आप ही लोगों है, इसलिए उसके बदले हम लोग ताली बजा के आपका स्वागत कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आशोष त्रिपाठी जी से आग्रह करता हूँ कि आप हमें और आशीर्वाद स्वरूप मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। आदरणीय आशोष त्रिपाठी नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष त्रिपाठी अपने सारे विजेतागणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एनएसएम परिवार की तरफ से। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक छोटे से हॉल से शुरू हुआ हमारे ये मीटिंग का दौर, ये सेमिनार का दौर आज इतने बड़े मैरिज हॉल में हो रहा है, इसके आप लोग अपने लिए ताली बजाइए इस सफल। और मैं ये चाहता हूं कि इस महीने के बाद का जो अगला सेमिनार होगा उसके लिए हमें पूरा स्टेडियम बुक कराना पड़ेगा, क्या आप लोग साथ देंगे? साथ है? पूरा स्टेडियम भरा चाहिए अगली बार, और जितने लोग हो सब के सब क्वालिफायर हो हमारे साथ। तैयार है? तैयार है मैडम? बहुत बहुत धन्यवाद। और समय थोड़ा सा कम है इसलिए मैं अपने शब्दों को रोकता हूं और प्रोग्राम को जल्दी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। थैंक यू। जो संबंध जोड़ना एक कला है लेकिन संबंध का निर्वहन करना साधना है, तो निश्चित रूप से कंपनी और एसोसिएट्स के बीच में जो संबंध जोड़ा गया है वो एक कला है, लेकिन इन संबंधों को हम लोग कितनी शिद्दत के साथ निर्वहन कर पाएंगे ये हमारे साधना पे डिपेंड करेगा, ये हमारे कला कौशल पर डिपेंड करेगा और हमारे कार्य पर डिपेंड करेगा कि कितनी मेहनत से कितनी लगन से हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। प्रमाण पत्र के वितरण का इसके बाद कार्यक्रम है। अगर प्रमाण पत्र और संबंध का निर्वहन करना ये साधना मैं अगर एक दूबे से आग्रह करूँगा कि मंच पर आ जाए और 2 मिनट अपनी बात कहने का आग्रह करें। अगर एक दूबे जी मैं आप उत्तर होंगे के दुबे हमें याद किया कि हम आपको 2 बात बोले हैं। अरे जी मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ बोल ही रहा था, आप लोग बुद्धिस्ट है, मैं बहुत देर तक बोलता रहा और फिर आपने कहा है। दोस्तों लगन
के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले आप जहां कार्य कर रहे हैं आपको अपने अंदर आत्मविश्वास, एक सकारात्मक सोच, यही सकारात्मक सोच आपको ऊंचाइयों और अधिकाइयों और असीम ऊंचाइयों तक ले जाती है। एक सकारात्मक सोच और विश्वास, अगर ये दो चीजें आपको है तो दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप भी उन्हीं लोगों की तरह जैसे आज मन पर बैठे हुए हैं कल आप भी यहां पर आकर के बैठेंगे और हम आप सबके लिए तालियां बजाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। सबसे बड़े का पुरस्कार आपको प्रमाण पत्र आपको दिया जा रहा है। मैं फिर से आदरणीय रजनीश जी से और मैडम से आग्रह करूंगा कि मंच पे आ जाएं और मैं सैयद जफर अली सैयद टोटल टीम बिजनेस में सुषमा श्रीमती सुषमा दुबे जी आ जाए मंच पे। बहुत बहुत लेंगे लड़की ना है इसमें मत चल रहे श्रीमती सत्यभामा मिश्रा जी से आग्रह करता हूँ। निश्चित रूप से आपके अंदर बड़ी ऊर्जा है। हम लोग फिर पीछे भी आपकी चर्चा कर रहे हैं आगे मंच पे और अपना पहली पोजीशन सीमा सिंह है। इंडिविजुअल बिजनेस में दूसरी पोजीशन पे अनिल कुमार खुश हो रहे होंगे।
और साथी उसे टेढ़ा मिले निश्चित रूप से। Thank you.
सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी बहन, आपकी बेटी सामने खड़ी हुई है, वो पुरस्कार दे रही है, उसका लिहाज करते हुए ताली बजाइएगा। एक तरह से दहेज का ऋण चुका दीजिएगा भाई यशवंत कुमार गौतम जी, श्री यशवंत कुमार गौतम जी, भाई यशवंत कुमार गौतम जी। यह प्रतीक चेक है, ये बैंक में नहीं लगेगा, इसलिए यशवंत भाई से आग्रह करूंगा कि इसको लौटा दीजिए, या तो किसी काम का नहीं है ओरिजिनल वाला, मैं कल आपको दे दूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद।
साथियों के साथ। नमस्कार। सबसे पहले मैं कुछ जानकारियां देना चाहता हूं, जो भी हमारे नए प्रोग्राम हैं। हमारी एक नई ब्रांच खुली है करनाई रोड में, बहरिया के पास है। तो जितने भी लोग हमारे सोराहों से आते हैं और महुआईमा से आते हैं, करनाई रोड ब्रांच में भी आप जाके अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, ईएमआई जमा कर सकते हैं, रसीदे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी डिटेल के लिए आपको अभी जो भी पैम्फलेट मिलेगा, इसमें सारी जानकारियां दी हुई है, आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी। तो करनाईपुर में हमारी एक नई शाखा का शुभारंभ हुआ है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बजाएं आप। हमारी अभी तक एएमएस की दो ही शाखाएं थी, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ में। कितने लोग ऐसे हैं जो कि कार जीतना चाहते हैं? बस कार कौन कौन जीतना चाहता है? देखिए पीछे लोग दोनों हाथ उठा रहे हैं, दो कार। अच्छा, पिछले बार वाले कॉन्टेस्ट में आप लोग क्यों नहीं क्वालिफाई हो पाए? इतना आसान कॉन्टेस्ट बताना चाहेगा? नहीं कर पाए। आपकी ऐसा क्या किया जाए? मैं चाहता हूं कि यहां पर जितने भी लोग हैं उनका मेरी बातों पर ध्यान दें, आपस में बातचीत ना करें। इधर सत्या मैडम, मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे बातों पे ध्यान दें। जिन लोगों को कार इस बार नहीं मिली है, जिनको कार चाहिए, प्लीज मेरी बातों पे ध्यान दें। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले कार कॉन्टेस्ट में काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था कि दो कार अचीव करेंगे, तीन कार अचीव करेंगे और नहीं कर पाए, तो उसके पीछे का क्या कारण था? मैडम बता सकते हैं? शोएब जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा कठिन था कॉन्टेस्ट? टफ नहीं था। तो कॉन्टेस्ट का क्राइटेरिया क्या क्या था, लोगों को बताइए आप। हमने सिलेक्ट किए 5 डायरेक्ट और उन पांचों से 5 पास कर वैल्यू सेल्फ 25, टीम के साथ 30, वैल्यू 25 कॉन्टेस्ट। पिछली बार का कॉन्टेस्ट था, अगर कोई भी आदमी डायरेक्ट 25 बुकिंग करता है तो उसको कार का अवार्ड था, या अपनी टीम में 5 लोगों से 5-5 नई बुकिंग कराता है तो ये कॉन्टेस्ट था। हमारी उम्मीद थी कि कम से कम हम 20 से 25 लोगों को कार बांटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अब की बार हम जो नया कॉन्टेस्ट लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और भी आसान। अब की बार तो मार्च 15 बुकिंग भूमिधन पे करने पे डायरेक्ट आपको कार अचीव होगी, मार्च 15 बुकिंग। या अपने डायरेक्ट 5 लोगों से 3-3 बुकिंग कराने पे भी आपको कार अचीव हो जाएगी। तो अब कितने लोग क्वालिफाई कर लेंगे? बस केवल अपने डायरेक्ट 5 एक बुकिंग भी करा देंगे।
तो भी आप क्वालिफाई हो जाए। आप समझ लीजिए कंपनी चाहती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं किसी ना किसी माध्यम से कार ले, कार से चले, क्योंकि एक आप हमारा बचपन का सपना था, आप लोगों का पता नहीं, कि अपने पास कार होनी चाहिए। आज की डेट में सबसे बड़ा सपना कार और जमीन का। जमीन आप लोग खरीद चुके हैं, कार हम दे रहे हैं। आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो कार मिल जाएगी। तो कार का कॉन्टेस्ट बहुत आसान है। 15 डायरेक्ट बुकिंग भूमिधर में, 10 डायरेक्ट बुकिंग धोनिया में, 3 डायरेक्ट बुकिंग सराय इनायत फाउंडेशन आई सी टी। डायरेक्ट कराइए आपको मिल जाएगा, 3 से भी आप करा सकते हैं, 5 डायरेक्ट एसोसिएट से 3-3 बुकिंग कराइए भूमिधर योजना में, आपको कार मिल जाएगी। गौनिया में 5 लोगों से 2-2 बुकिंग कराइए तो भी कार मिल जाएगी। और सराय इनायत में अपने 3 एसोसिएट से 1-1 बुकिंग कराइए तो भी आपको कार मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों के लिए। चाहूंगा कि जो भी हमारे लीडर हैं, दीपक श्रीवास्तव जी, अजय सिंह चौहान, अनिल शुक्ला जी, कृष्ण कुमार दुबे, सत्यभामा मिश्रा, यशवंत कुमार गौ, ये कॉन्टेस्ट इन लीडरों में आपस में होगा। ये कॉन्टेस्ट होगा उनके नंबर ऑफ केसेस पे, टोटल बिजनेस पे, और अचीवमेंट्स पे। तो जो भी टीम जीतेगी इस कॉन्टेस्ट में उसको कंपनी की तरफ से एक चैंपियंस ट्रॉफी दी जाएगी। इसका अनाउंसमेंट अगले 5 जुलाई को होगा, कौन सी टीम जीती, कौन सी टीम नहीं जीती। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जिन जिन टीम में आते हैं इस बात का ध्यान दें कि अपनी टीम को जिताने की कोशिश करें। बाकी इसके बारे में और डिटेल आपके लीडर आपको बताएंगे, इन लोगों से चीज़ों को शेयर कर लिया जाएगा। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि आपको आपके टीम मेंबर्स को अपने लीडर्स के लिए, अभी तक तो लीडर आपके लिए बहुत कुछ कर रहे थे, अब आप लोगों को भी करना है कि आपकी टीम जीते। पासपोर्ट नंबर दे दें इनको, भेज दिया जाए, लेकिन कह रहे हैं अकेले नहीं जाएंगे, टीम के साथ जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि अगली बार बैंकॉक का कॉन्टेस्ट हम लेके आएंगे, या कहीं बाहर घूमने का कॉन्टेस्ट लेके आएंगे, या इसको हम चलिए ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी हैं, श्रीमती निर्मला पांडे जी, आप मंच पे आ जाए। और आपका तो सिल्वर कॉइन आदरणीय अतुल जी सामने आ जाए, और तो अपने सिल्वर कॉइन जोरदार तालियों साथ, मित्रों जोरदार तालियों साथ। और मित्रों मेरे कोटे में 4 सिल्वर कॉइन आया है, मैं भी चार काले उतार स्वागत करें, 4-4 कॉइन बहुत बहुत बधाई हो देने को, बहुत बहुत बधाई हो। मैं तीनों डायरेक्टर से चाहता हूं कि फ्लोर पे पहले वो आ जाए। Thank you.
Thank you.